हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फिगर ऑफ स्पीच। आज हम बेहद लाजवाब तरीके से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस क्यों ना देखी हो बच्चों, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कुछ खास मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा। आज हम ट्रिक के माध्यम से आपको फिगर ऑफ स्पीच सिखाएंगे। वो ट्रिक हमने खुद से तैयार की है और मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं रसगुल्लों कि आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, इसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच बोले तो अलंकार में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपके अलंकार हैं, क्योंकि बच्चों जो पोएट्री में आपका आएगा दो नंबर तो 100% श्योर है अलंकार देकर के ही जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका जो अनसीन पैसेज आता है उसमें भी कभी कभार एक नंबर, यानी तीन से चार नंबर ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिखाई पड़ेगा, तीन से चार नंबरों में। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच भाई कहाँ गया। जो फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, ठीक, ये जो टॉपिक होता है आपका, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं इसको लेकर के, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है बच्चों। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहला शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों जितने फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसको चुटकियों में याद कर सकते हैं और दिमाग में हमेशा वो चीज आपके स्टोर हो जाएगी। सबसे पहले हमें देखना है बच्चों किसके बारे में, सबसे पहले अपने को देखना है सिमली। सिमली का मतलब होता है बच्चों उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। अब देखिए अलंकार में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि भाई आपने हिंदी में थोड़ा पढ़ा है। उपमा का मतलब ही होता है बच्चों तुलना, ठीक, उपमा का मतलब ही तुलना होता है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, वैसे आपको डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता लगाना होता है, आपको मालूम करना होता है कि भाई हाँ जो भी सेंटेंस जैसे लिखा है कि इसमें इस लाइन में, ठीक, या इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, केवल आपको इतना बताना है। इसलिए डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन भी आपको जानना भी जरूरी है। लिखेंगे कि जैसे आपको समझना कि इन ए सिमिली कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू, कह रहा है डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एस एंड ईटीसी। कह रहा है कि उपमा अलंकार, यानी वहां पर उपमा अलंकार होता है जब दो वस्तुओं के बीच में कोई कंपेरिजन, मतलब कंपेरिजन या तुलना की जाती है, और तुलना के लिए कौन कौन से वर्ड जैसे लाइक हो गया, और हो गया, एंड एज हो गया, ये सब वर्ड तैयार होते हैं। जैसे हिंदी में पढ़ा है ना कि जैसे की तरह, ना ऐसे होता है ना कि भाई जैसे जैसे राधा के चरण, जैसे राधा के चरण कमल के समान कोमल है, सीता का मुख चंद्रमा के समान क्या है सुंदर है, तो के समान, के जैसे, की तरह, जब भी शब्द आते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। लाइक दैट एग्जाम्पल, जैसे बच्चों एग्जाम्पल में है कि आई रैन लाइक द विंड, आपको पहचानना कैसे है जब भी बच्चों लाइक वर्ड आर एंड एस ये कुछ भी दिख जाए, समझ लीजिएगा वहां पर क्या है, वहां पर सिमिली है बच्चों, यानी वहां पर है उपमा अलंकार। तो जैसे आई रैन मतलब आई रैन लाइक द विंड, मैं हवा की तरह भागा, हवा की तरह, यानी यहां पर कोई तुलना हो जरूर रही लेकिन तुलना समानता की हो रही, किसी को कम या ज्यादा नहीं बताया जा रहा है, तो मैं हवा की तरह भागा यानी हवा के जैसे भागा। आगे कह रहा है कि यू आर एज ब्रेव एज लायन, देखिए मिल गया ना, तुम इतने बहादुर हो जितना कि सेव, ठीक ना, तुम इतने बहादुर हो जितना कि शेर होता है। ठीक, तो यहां पर बहादुर तुम उतने ही हो जितना कि शेर है, किसी को कम या ज्यादा नहीं बताया गया है। तो यहां पर देखिए एज है, तो ये क्या हो गया बच्चों सिमिली हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब हम देख लेते हैं अगले वाले को। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है बच्चों देखिए हाइपरबोला, हाइपरबोली बोलते हैं या हाइपरबोला, तो इसका मतलब है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है ना, एक जिस तरह से हम बता रहे हैं बस इसी तरह से आपको अच्छे से एक बार समझ लेना है। हम बोल रहे हैं फिर से, ट्रिक लास्ट में आपको अच्छे से समझा देंगे। हाइपरबोली का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बच्चों बढ़ा चढ़ा कर कहना,
क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कह देना। ठीक, तो यहां पर है इसका डेफिनेशन की मतलब इट इज यूज टू, कह रहा है कि प्रेजेंट ए ग्रेट एक्सीलरेशन का मतलब है कि किसी भी चीज को आवश्यकता से अधिक क्या करना, मतलब प्रेजेंट कर देना, किसी भी चीज को आवश्यकता से अधिक मतलब जितना है उससे कई गुना ज्यादा बता देना, वो होता है बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है ना, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे रिवर ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल, कि मतलब युद्ध में खून की नदियां बह गई। अब ऐसा थोड़ी ना भी कि कोई भी युद्ध होगा, हाँ खून बहेंगे, लेकिन इतना खून थोड़ी बहेगा कि खून की नदी बहने लगे। तो यहां पर क्या है, कह रहा है कि भाई ब्लड ऑफ, देखिए कह रहा है द रिवर ऑफ ब्लड, खून की नदियां फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में बह गई। तो युद्ध में खून की नदियां बह गई, तो भाई यहां तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। अगला है जैसे कह रहा है कि सीमा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, कि सीमा मुस्कुराई और पूरा संसार गदगद हो गया, यानी उसकी मुस्कुराहट से पूरी दुनिया कायल हो गई। ठीक, तो ये हो गया बच्चों। ठीक, यहां पर भी बड़ा चढ़ाकर बात कही जा रही। अगला है कि द वेव्स, कह रहा है कि रोज माउंटेन्स हाई, तो ये हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। स्क्रीनशॉट फटाफट से कर लीजिए इसको भी। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाले को। अगला जो है वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है बच्चों, एपोस्ट्रॉफी का मतलब संबोधन अलंकार। देखिए संबोधन अलंकार का मतलब होता है किसी भी वस्तु को संबोधित करना। ठीक, क्या करना, संबोधित करना। तो इसके अगर हम डिफिनेशन देखें, परिभाषा, तो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एब्सेंट आर डेड पर्सन एंड एन अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी आर कह रहा समथिंग नॉन ह्यूमन। देखिए इसमें होता क्या है कि इस अलंकार में किसी भी मतलब अनुपस्थित चीज या मृत व्यक्ति या फिर कह रहा है कि किसी भी भावनाओं को मतलब भावनाओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने बोला ना किसी चीज को इंडिकेट करिए, उसको संबोधित करिए, तो वहां पर क्या होता है, संबोधन अलंकार होता है। लाइक दैट, इसके एग्जाम्पल में जैसे बच्चों कह रहा है कि देखिए यहां पर है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, कि हे कमजोरी तेरा नाम औरत है। ठीक, कमजोरी दाई नेम इज वुमेन, तुम्हारा नाम क्या है, औरत है, यानी कमजोरी तेरा नाम औरत है, तुम्हारा नाम औरत है, ये संबोधन हो रहा है बच्चों। अगला कह रहा है कि ब्लो विंड्स ब्लो, यानी ए हवा बहो, ऐ हवा बहो, तो यहां पर क्या है, बहना है कि भाई तुम मतलब बहती रहो, ऐ हवा बहती रहो, तो ये संबोधन हो रहा है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन सॉरी एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा संबोधन अलंकार। ठीक, फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। चलिए बच्चों, अब हम देते हैं अगले, अगले को देख लेते हैं, क्योंकि भाई सात है और अच्छे से समझना है, नहीं तो सब सीन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि अगला है जो है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक जो अलंकार होता है, रूपक अलंकार की बात करें बच्चों, ये आपका जो उपमा अलंकार है सेम उसी से मिलता जुलता है। उपमा अलंकार में के जैसे, की तरह, ये मतलब ये शब्द होते हैं, लेकिन वहीं पर रूपक अलंकार में ये सब शब्द नहीं होते हैं, बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है बस। ठीक, डेफिनेशन में हमने लिख दिया है कि इन ए मेटाफर कह रहा है कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स, कह रहा विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक एज देन ठीक एंड एज इट इज, यानी इसमें दो वस्तुओं के बीच तुलना तो होती है, लेकिन वहां पर लाइक एज देन ये सब वर्ड्स मतलब जो एज ये है ये सब वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है बच्चों कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। अगर यहां पर लिख देता लाइक इज एज ए ड्रीम, तो जीवन एक स्वप्न की तरह है, वो उपमा हो जाता, लेकिन यहां पर है कि जीवन एक स्वप्न है। ठीक, तो ये जीवन एक स्वप्न है। अगला है कह रहा कि द कैमल, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है। ठीक, यानी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बता दिया गया है, रूप दे दिया गया है। और अगला है बच्चों की आई सी लिली ऑन दाई ब्रो, कह रहा है कि मैं तुम्हारे भौहों पर, ठीक एक क्या है, मैं तुम्हारे भौहों पर कुमुदनी देख रहा हूं। ठीक,
कि मैं तुम्हारे भौहों पर कुमुदिनी देख रहा हूं। तो ये हो जाएगा बच्चों रूपक अलंकार में। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं अगले, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, अब फटाक से देख लेते हैं बच्चों अगला। अगला देख लेते हैं क्या है, अगला है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन बोले तो मानवीकरण अलंकार। ठीक, क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, कोई भी मतलब इसमें थिंग्स हो, वस्तु हो, उनको जीवित वस्तु का एक दर्जा दे दिया जाता है। मतलब मान लेते हैं कि वो चीज जिंदा है, तो ऐसे अवस्था में क्या हो जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार। मानव का मतलब है कि मानव उसको मान लिया जाता है, ह्यूमन मान लिया जाता है। इसमें डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों, लिखना है कि व्हेन समथिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इफ इट इज ए पर्सन, देयर इज पर्सनिफिकेशन। ठीक, लिखना है कि व्हेन समथिंग इज डिस्क्राइब्ड एज, मतलब जब किसी चीज के बारे में ऐसा बताया जाए कि कह रहा है इट इज पर्सन, ये एक व्यक्ति है, मतलब उस चीज को ऐसा दर्शाया जाए कि वो एक व्यक्ति है, तो वहां पर क्या हो जाता है, पर्सनिफिकेशन हो जाता है। लाइक दैट एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कि भाग्य केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। ठीक ना, मतलब भाग्य केवल एक बार दरवाजा खटखटाएगी, उसके बाद भाई आपका भाग्य अगर खुल गया तो समझ लीजिए जिंदगी संवर गई। तो भाग्य आकर के दरवाजा खटखटाएगा, तो मतलब क्या है बच्चों, वो एक जिंदा वस्तु की तरह, भाई कोई जिंदा व्यक्ति ही तो आके दरवाजा खटखटा सकता है। अगला है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ठीक, तो भाई यहां पर लव, अब देखिए लव प्रेम एक फीलिंग है, एक भावना है, लेकिन यहां पर प्यार अंधा होता है, तो यहां पर प्यार को एक मानवता वाले बात कही गई है, यानी ह्यूमन मान लिया गया है। नेक्स्ट है कि द फ्लावर्स वेयर बेगिंग फॉर वाटर, कह रहा द फ्लावर्स यानी जो फूल है, वेयर बेगिंग माने क्या है, मांग रहे हैं, फॉर द वाटर यानी पानी, जो फूल है वो पानी मांग रहे हैं। तो भाई पानी मांग रहा है कौन, यहां मांगना है तो फूल थोड़ी कहेंगे कि मुझे पानी लाओ। ठीक, लेकिन यहां पर क्या है कि उसे उस मतलब चीज को एक ह्यूमन की तरह मान लिया गया है, एक व्यक्ति की तरह मान लिया गया है। बात समझ में, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला, अगला क्या कह रहा है, चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ठीक, क्या है ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का मतलब ही होता है विरोध, उल्टा चीज, जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। ठीक, वहां पर क्या हो जाता है, विरोधाभास अलंकार। देखिए जैसे कह रहा है कि प्लेसिंग टू अपोजिट वर्ड टुगेदर। ठीक, मतलब कोई भी बात क्या है, विपरीत तरीके से कही जाए बच्चों, देन वहां पर हो जाता है विरोधाभास अलंकार। लाइक दैट एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, कह रहा है कि लव इज ए स्वीट पेन, मतलब प्यार एक मीठा दर्द है। अब भाई प्यार है, उसके बाद जो ठीक है प्यार को रहने देते हैं, स्वीट का मतलब मीठा, फिर पेन माने दर्द। अब भाई मीठा है तो दर्द कैसे हो सकता है, है ना, दर्द तो वैसे भी क्या होता है, दुखदाई होता है, वो मीठा थोड़ी ना होगा। ठीक, उसके बाद जैसे अगला है कि लव इज ए स्वीट, मतलब सॉरी लाइफ इज ए स्वीट पॉइजन, जीवन एक मीठा जहर है। अब जहर मीठा नहीं होता है, जहर कड़वा होता है, ठीक, वो जानलेवा होता है, लेकिन क्या है यहां पर विपरीत बात बोल दी गई है। अगला है कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला हुआ रहस्य है। अब भाई खुला हुआ रहस्य कैसे हो सकता है, यहां पर खुला हुआ रहस्य बात की जा रही है, तो भाई कि यहां देखिए खुला हुआ, जब रहस्य ही है तो खुला कैसे हो सकता, रहस्य तो रहस्य होता है ना, गुप्त, जो गुप्त वाली बात होती है, जो किसी को मालूम ना हो, बोलते हैं तुम्हारा एक सेक्रेट है, एक सेक्रेट बताना है, तो सेक्रेट का मतलब ही होता है छुपा हुआ, लेकिन यहां पर ओपन सेक्रेट मतलब खुला हुआ रहस्य है। जब भी इस तरह से बच्चों अर्थ मालूम पड़े, देन आपको समझ जाना है कि वहां पर कौन सा अलंकार है, तो वहां पर है विरोधाभास अलंकार। बात समझ में ही, चलिए स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो अगला जो क्या कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, तो वो है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक अलंकार। अब ध्वनि सूचक जो अलंकार है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ इतना जरूर है
कि मतलब पूछा जाता है कभी कभार। इसमें देखिए ये आसान होता है, इसको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। जैसे इसमें क्या है कि द यूज ऑफ वर्ड ए वर्ड विथ मतलब हुज साउंड कह रहा है कि हाँ द यूज ऑफ ए वर्ड हुज साउंड कह रहा है कि इमिटेट्स आर सजेस्ट इट मीनिंग। जब भी मतलब कोई है शब्द हो मतलब कोई ऐसा वर्ड हो जो अपने अर्थ को दर्शाए या हमें कह लें कि कोई आवाज है कुछ ना कुछ उससे स्पष्ट हो रहा हो, देन ऐसी सिचुएशन में ध्वनि सूचक होता है। कहने का मतलब एक ध्वनि निकले किसी भी वस्तु से जो कुछ ना कुछ अपने अर्थ को बताए। जैसे लाइक दैट इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में आई हियर्ड मैंने सुना द वाटर लैपिंग ऑन द क्रेज, मतलब जो मैंने क्या है पानी के जो होता है ना कि छपछपाहट की आवाज होती है, लैप का मतलब छपछपाना ठीक, समुद्र की जैसे तरंगे उठती हैं तो आवाज में जब आपस में लहरें टकराती हैं तो एक आवाज निकलती है साउंड निकलती है वो चीज। दूसरा है माय फोन इज रिंगिंग, रिंग का मतलब है बजना ठीक, रिंगिंग का जैसे द स्नेक इज हिशिंग, जो सर्प है हिशिंग यानी फुफकार रहा है। तो यहाँ पर क्या है एक साउंड निकल रहे हैं सभी में, तो ये चीज हो जाता है बच्चों ध्वनि सूचक अलंकार में ठीक। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया बच्चों। चलिए अब बात आती है किसके ट्रिक की ठीक है ना, चलिए इधर देखते हैं। अब हम ट्रिक को थोड़ा आपको बता देते हैं बच्चों, ट्रिक के माध्यम से कैसे आप थोड़ा इसी में ट्रिक को अच्छे से समझा देते हैं ठीक। चलिए परेशान मत रहिए, एकदम मजेदार ट्रिक है, इतना अभी तक जो कुछ भी बताया इतना कुछ रसगुल्लों आपको दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या बताया एक ट्रिक याद रखिए, बस एक ट्रिक याद रख लीजिए बच्चों। जैसे देखिए ट्रिक क्या होगी, ट्रिक आपको याद रखना है यहां पर लिख देते हैं ट्रिक, जैसे याद करना है शैंपू, क्या हमने बताया एस एच ए एम पी डबल ओ, क्या लिख उठा शैंपू, शैंपू नहाने वाला शैंपू, बाल धुलने वाला शैंपू। अब इस शैंपू के मदद से देखिए हम मतलब नाम लिखेंगे अलंकार का ठीक, अलंकार का नाम। तो यहां से देखिए ये हो गया उपमा, फिर उसके बाद हाइपरबोला है अतिशयोक्ति ठीक, फिर ऐसे है संबोधन, क्या हो गया बच्चों संबोधन, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद एम से है रूपक यानी मेटाफर, रूपक हो गया, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण, क्या हो गया बच्चों मानवीकरण ठीक। उसके बाद ओ से हो गया ऑक्सीमोरन विरोधाभास, विरोधाभास हो गया ठीक। और उसके बाद ओनोमेटोपोया, ये हो गया क्या चीज ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक। पहले इतना समझिएगा ये एक ट्रिक की तरह है, एस एच ए एम पी डबल ओ शैम्पू ठीक। मतलब यहां से जो हो गया बच्चों आपको ठीक, हमने बताया यस यानी सिमिली से उपमा अलंकार, हाइपरबोला अतिशयोक्ति, एपोस्ट्रॉफी संबोधन, मेटाफर मतलब रूपक अलंकार, फिर पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, फिर उसके बाद ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार, ओनोमेटोपोया ध्वनि सूचक अलंकार, ये हो जाता है। अब कहेंगे इसमें ट्रिक क्या है आप लोग, तो ट्रिक अब लिखेंगे ना रसगुल्लों, ट्रिक की बारी तो अब है, परेशान काहे हो रहे हो। लिखेंगे हम, लिखेंगे बच्चा कि उपमा आज सबके रूप को, सबके रूप को, सब रुकिए एक मिनट, उपमा आज सबका रूप मन में बिठा कर, मन में बिठा कर धन्य हो गई, धन्य हो गई ठीक। ये ट्रिक है बच्चों कि उपमा आज सबका रूप मन में बसाकर धन्य हो गई ठीक। ये याद करने का, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है कि सिमिली मतलब क्या हुआ, मेटाफर मतलब क्या है, पास्ट्राफी मतलब क्या है, ऑक्सीमोरन मतलब क्या है। एक ट्रिक याद रख लीजिए ना बच्चों, उपमा से हमने बताया ना उपमा अलंकार,
ठीक। और इसको दर्शाते किससे है भाई, तो इसको दर्शाते हैं, चलिए एक बार लिख देते हैं, उपमा से अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति है बच्चों, ठीक ठीक। उसके बाद सब का मतलब संबोधन है, ठीक है ना, संबोधन है। रूप का मतलब रूपक है बच्चों, रूपक है। मन का मतलब मानवीकरण है, मानवीकरण है बच्चों। और उसके बाद विठाकर मतलब विरोधाभास है, ठीक विरोधाभास है। और उसके बाद नेक्स्ट है धन का मतलब यहाँ पे ध्वनि सूचक, ठीक ध्वनि सूचक हो गई। तो ऐसे है, इसमें से कोई नहीं मतलब, ठीक। अब यहां से अगर हम बात करें ना, तो इसको आप थोड़ा समझेंगे बच्चों, तो सब चीज अगर नोटिस आप करें करते हैं यहां से, तो देखिए हमने क्या बताया, ये यस है, ये यच है, ये ए है, ये एम है, ये पी है, ये ओ है, ठीक ओ है, और यहां पर भी एक ओ है। तो यही ट्रिक था शैम्पू, यानी यस यच ए एम पी डबल ओ। यस का मतलब सिमली का मतलब उपमा अलंकार, यच हाइपरबोला का मतलब अतिशयोक्ति अलंकार, एपोस्ट्राफी का मतलब संबोधन अलंकार, मेटाफर का मतलब रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण अलंकार, ओ से ऑक्सीमोरन मतलब वी से बिठाकर यानी विरोधाभास अलंकार, और ओ का मतलब ओनोमेटोपोइया, इसका मतलब ध्वनि सूचक यानी धन्य हो गए। तो ये ट्रिक हो गया कि उपमा आज सबका रूप मन में बिठाकर धन्य हो गई, उपमा आज सबका रूप मन में बिठाकर धन्य हो गई। इस तरह से आप सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों आप नाम याद कर सकते हैं जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे जबरदस्त एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर देना, बाकी इनकी हम प्रैक्टिस सेट भी लगवा देंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।